जैसा कि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में शाम 4:30 बजे से होने जा रहा है। इस मैच से पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 रनों से हरा दिया था। पिछले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 266 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में बनाए थे। उनका औसत रन रेट लगभग 5.32 का रहा था। इस 266 रनों में 18 चौके 4 छक्के और 6 रन शामिल थे। इसी के दूसरी ओर पाकिस्तान टीम ने 219 रन 10 विकेट के नुकसान पर 47.2 ओवरों में बनाए थे। उनका औसत रन रेट 4.64 रहा था, जिसमें 14 चौके 2 छक्के और 17 अतिरिक्त रन शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक 34, शोएब मलिक ने 30, सरफराज अहमद ने 64, इमाद वसीम ने 50 रन बनाए थे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 की बढ़त से आगे है। देखना यह होगा कि आज के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी न्यूजीलैंड की इस बढ़त को रोकने के लिए अपने कितने प्रयास करेंगे और दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज की बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए अपने कितने प्रयास करेगी। देखिए खबर SS की एक रिपोर्ट।